हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। पिछली कुछ वीडियोस में मैंने अपने ज्योतिष के विश्लेषण के आधार पर बताया था कि लोकसभा 2024 के इलेक्शन में इस बार टक्कर बराबर की होने वाली है और कांग्रेस की ये गठबंधन सरकार बहुत ज़्यादा उभरते हुए नज़र आएगी और पहले की तुलना में कांग्रेस अकेले ही बेहतर परफॉर्म करेगी। और साथ में ये भी बताया था कि इलेक्शन के रिजल्ट जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, दोनों ही पार्टियों में हर बार ऐसा लगेगा कि वो पार्टी सत्ता में आने वाली है। साथ ही मैंने ये भी कहा था कि बीजेपी पार्टी में अंदरूनी टकराव भी सामने आएगी, बड़े बड़े सीनियर लीडर्स चुनाव हारते हुए दिखाई देंगे, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट जगह से। ये सारी की सारी प्रेडिक्शंस आप मेरे वीडियोज़ में सुन सकते हैं। इसके अलावा अब की बात 400 पार पर भी मैंने अपनी बात रखी थी कि ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी अपने इस टारगेट को हासिल कर पाएगी, लेकिन मोदी जी फिर भी अपना थर्ड टेन्योर जरूर करेंगे। राहुल गांधी के बारे में भी मैंने बताया था कि इस समय उनकी कुंडली में कुछ राजयोग बने हुए हैं जो उन्हें पहले से बेहतर तरीके से सामने लेकर आएंगे। और आप लोग देखिए, ये सारी बातें हम सभी के सामने हैं। अब देखना होगा 8 जून को मोदी जी जब अपनी शपथ लेंगे तो वो इस बार क्या करने वाले हैं। उसके लिए मैं एक और वीडियो आप लोगों को देने की कोशिश करूंगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि 5 साल का उनका ये कार्यकाल शायद पूरा ना हो या ये जो पद है उनका वो कुछ समय के लिए रिक्त रह सकता है, खाली रह सकता है। और समय भी मैंने 3-4 साल पहले बताया था, 2026 या 2027 का ये समय हो सकता है। अभी देखना ये होगा कि मोदी जी का ये कार्यकाल कैसा रहेगा। मोदी जी के चार्ट में लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि रिजल्ट के दूसरे दिन यानी 5 जून को उनकी 11th लॉर्ड बुध की अंतर्दशा शुरू हो जाएगी। ये बुध उनका वक्री भी है जो अप्रत्याशित रिजल्ट दे सकता है। ये बुध वक्री है और 0 डिग्री का है जो दशम और एकादश दोनों ही भाव के रिजल्ट देने में सक्षम है। तो अभी आप लोग देख रहे हैं कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। जिस समय मैं ये वीडियो बना रही हूँ मैं उस समय की रिपोर्ट आप लोगों को दे रही हूँ, आगे क्या होने वाला है कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि डेली हमें दोनों पार्टियों की अपडेट नज़र आ रही है। ऐसे में मोदी जी अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करके पूरा बहुमत लेने की कोशिश जरूर करेंगे। अभी आप देखिए गोचर में उनकी अपनी वृश्चिक राशि भी 7 ग्रहों का प्रभाव ले रही है, जिसके कारण मोदी जी का माइंड कुछ हटकर डिसीजन लेने की भी ज़रूर सोचेगा, क्योंकि अभी उनका लग्नेश मंगल भी स्वराशि है मेष में और वृश्चिक राशि को भी अपनी अष्टम दृष्टि से देख रहा है। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कहा है कि अष्टम भाव और वृश्चिक राशि वाले बहुत बड़े प्लानर होते हैं जो अपने प्लान को जग जाहिर नहीं करते, बस समय आने पर ही वो सबके सामने लेकर आते हैं। उनके मेष और वृश्चिक दोनों ही राशियों में 30-30 बिंदु हैं, यानी वो अपने प्लान को जरूर पूरा करेंगे। और अंतर्दशानाथ वक्री बुध ने अपने भिन्नाष्टक में कन्या राशि को जो 11th हाउस में है उसे 7 अंक दिए हैं जो कम नहीं है। इस समय मोदी जी के लिए ये भी कहा गया है कि बहुत कम वोटों से उनकी जीत हुई है जो बहुत बड़ी बात नहीं है। इसका भी कारण है दशानाथ मंगल जो अभी गोचर में मेष राशि में है यानी 6th हाउस में, जहां मंगल ने केवल 3 अंक दिए हैं। और 6th भाव वैसे भी कम्युनल हार्मनी का होता है, कॉन्फ्लिक्ट से सेटबैक का होता है, पब्लिक हेल्थ को भी ये रिप्रेजेंट करता है, तो परेशानी तो उनको इस समय आनी ही थी। लेकिन ये मंगल लग्न की वृश्चिक राशि में 6 अंक दे रहा है, तो मोदी जी अपोजिशन को जवाब देना भी भली भांति जानते हैं। इनकी कुंडली में अगर आप देखें तो जैमिनी पद्धति से आत्मकारक ग्रह जो बनता है वो है शनि। अगर हम उसको देखें जो अमात्य कारक का शुक्र के साथ में है और वो भी केंद्र के सबसे स्ट्रॉन्ग भाव में यानी दशम भाव में, और नवांश में ये दोनों एक दूसरे से त्रिकोण में है जो एक बहुत अच्छा राजयोग है जैमिनी एस्ट्रोलॉजी से। लेकिन इन दोनों पर राहु का प्रभाव भी है,
जो इस तरह की परेशानियां या बेकार के विवाद भी उनको दे रहा है। अगर आप देखें तो ये आत्मकारक शनि अभी गोचर में फोर्थ भाव में है गुरु के साथ में। वैदिक ज्योतिष में किसी भी घटना के घटित होने में गुरु और शनि का डबल ट्रांजिट देखा जाता है, जो हम यहाँ फोर्थ भाव में जनता के भाव में देख सकते हैं। यहाँ हम ये भी देख सकते हैं कि किस तरह जनता का जो झुकाव है वो मोदी जी के साथ है, क्योंकि आत्मकारक शनि स्वराशि का कुंभ राशि में भी है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इनकी कुंडली का। कुंभ राशि इच्छा पूर्ति की राशि होती है, डिज़ायर की राशि होती है। आप देखिए, जब 8 जून को मोदी जी शपथ लेंगे उस समय सूक्ष्म और प्राण दशा इसी स्वराशि मंगल की होगी और नौमी चंद्रमा की होगी, जो दोनों ही लग्न में पहले से ही राजयोग बना करके बैठे हुए हैं। देखिए, शपथ का जो समय है वो चेंज भी हो सकता है, और जब समय चेंज होगा तो उस दिन के हिसाब से उनकी सूक्ष्म दशा और प्राण दशा भी चेंज हो जाएगी। इसकी चर्चा हम शपथ कुंडली की वीडियो में करेंगे, तो अभी हम सिर्फ 8 जून को मान करके चलते हैं। इस समय वृश्चिक राशि पर बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव होने से भी मोदी जी वैसे भी 10 दिमाग का काम अकेले करने में सक्षम है। बस उन्हें इस समय ज़रूरत होगी अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की, जिसके चलते इनको परेशानी भी हो सकती है। देखिए, हम अपने ज्योतिषीय विश्लेषण के द्वारा ही अपनी बात रखते हैं। राजनीति में क्या होता है वो आप सभी लोग जानते हैं। कब किसका पलड़ा भारी हो जाए हम नहीं कह सकते। अभी इस समय इनकी कैप्रिकॉर्न में जैमिनी की चरदशा है, जो पद लग्न चार्ट में भी इनकी सत्ता में वापसी को शो करता है, लेकिन साथ ही परेशानी के साथ ये वापसी होगी ये भी चार्ट में दिखाई दे रहा है। अब एक सवाल हम सभी के मन में आ रहा है कि अगर बीजेपी को बहुमत नहीं मिला तो मोदी जी गठबंधन की ये सरकार कैसे चलाएंगे, जो अभी तक वो पूर्ण बहुमत के साथ 2 बार प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल चला रहे थे। कुंडली का सप्तम भाव अपोजिशन के साथ साथ गठबंधन की सरकार को भी रिप्रेजेंट करता है। इनका सप्तम भाव खाली है, लेकिन उसे लग्न से मंगल और चंद्रमा देख रहे हैं, साथ ही दशम भाव से शनि और 11th भाव से केतु भी देख रहा है, जो इनके अपने चार्ट से गठबंधन की सरकार बनकर टूटने की संभावना को भी दिखाता है, क्योंकि सप्तम भाव साइलेंट एनिमी का भी होता है। लेकिन ये एक संभावना है जो पूरी तरह से शपथ के समय की कुंडली पर निर्भर करती है कि आगे क्या होगा। अभी हम इंतज़ार करते हैं शपथ समारोह के इवेंट का, तब एक और वीडियो आप लोगों को देने की कोशिश करूंगी कि आने वाली सरकार देश के लिए कैसी होगी। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं ज्योतिष की एक और नई इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।